ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? पाई से डिनोट करा जाता है। इससे पहले बेटा एक प्रोसेस और पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस। सुना है कभी नाम इसका? हाँ, बायो में पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा ना प्लांट में, तो तब पढ़ा होगा ऑस्मोसिस आपने। लेकिन डेफिनेशन आप बताओ, है ना, डेफिनेशन आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता। देखो बेटा, मांग के बेटा मैं एक कंटेनर लाया, कहीं से मांग के एक कंटेनर लाया, और इस कंटेनर में एक मेम्ब्रेन लगा दी बेटा। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भैया बायो वाले को पता लिखे, है ना, बायो वाले की आ रही है आवाज, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा इसको सेमी परमेबल क्यों बोला जाता है? ना पोर्स तो होता है बेटा, लेकिन पोर्स होने से सेमी परमेबल थोड़ी हो जाएगी। हाँ, ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देता है। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक क्या है, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को अपने अंदर से नहीं जाने देगी। देखो, सॉल्वेंट को कहेगी पास हो सकते हो, और सॉल्यूट को रोक देगी, आपकी एंट्री यहां से नहीं हो सकती। किसको पास होने देगी? आज ये सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं इससे। अब देखो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे दो चैम्बर बन गया। इस चैम्बर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भर दिया। अब कैसा सॉल्यूशन है बेटा? लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। बेटा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब क्या है? पानी के अंदर अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। अब आपने इधर एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया। तो बेटा यहाँ पर एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे, ठीक है ना। अगर मान लो सॉल्वेंट पानी है तो यहाँ से निकल के पानी इधर जाने लगेगा, जिससे बेटा वाटर लेवल यहाँ पर, ये तो बेटा सॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, और इस बेचारे का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और कहाँ से? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, इसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। समझ में आया? तो आप डेफिनेशन सुन लो क्या है ऑस्मोसिस की। द स्पॉन्टेनियस फ्लो, बेटा स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब हाँ, इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस जो अपने आप होती है। पर आपने तो बेटा कंटेनर के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, इधर लो कंसंट्रेशन इधर हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और बेटा प्रोसेस को स्टार्ट हो गई। ऐसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस। आया समझ में सभी को? ठीक है ना। अब इसी ऑस्मोसिस की वजह से बेटा आपने किसमें इसको फुलाया होगा बेटा, घर में आपने क्या करा होगा या मम्मी ने करा होगा, पानी के अंदर बेटा किसमें डाल दी, सुबह तो देखा बेटा वो फूल गई। वो फूली कैसे? अब खुशी के मारे नहीं फूल, पर खुशी थोड़ी मिली उसको, कहीं ऐसा हुआ कि पानी के अंदर खुशी मिली और वो फूल गई, ऐसा नहीं है। क्या हुआ भैया इसका? ऑस्मोसिस हुआ। देखो हाँ जी, देखो क्या हुआ, क्या कह रहा भैया, क्या कह रहा ना, तारीफ की अभी आवाज है, कुछ नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो। हाँ देखिए, इधर देख बेटा, इसमें किसमिस के अंदर आपने देखा होगा कोई लिक्विड होता है उसके अंदर? किसी ने देख लिया हो? नहीं होता बेटा। अगर किसी चीज के अंदर लिक्विड नहीं है तो आप वहां पर मान के चलेंगे हाई कंसंट्रेशन। क्या है बेटा? अरे जब पानी ही नहीं है तो फिर क्या है? सॉलिड ही होगा, तो हाई कंसंट्रेशन। और अगर आप प्योर वाटर ले रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या मान के चलोगे? लो कंसंट्रेशन। सही है, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑस्मोसिस। जैसे ही बेटा कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है ना, तो भाई ये स्टार्ट हो जाता है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भैया वाटर के मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके अंदर पानी भरेगा और ये
फूल जाएगी, समझ आया? इतनी भी नहीं फूलेगी जितनी तुम सोच रहे हो, हाथ ज्यादा थोड़ा है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें, अब एक काम करते हैं बेटा, नमक मिलाते हैं, अब पीना नहीं है। हाँ, NaCl का सॉल्यूशन बना दिया, अब कैसा, ऐसा भी नहीं, भर भर के इसके अंदर नमक डालिए, पानी के अंदर जितनी डिजॉल्व हो सकती है उतनी मिलाइए, जब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें डिजॉल्व होना बंद ना हो। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? हाँ जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, अंगूर, लंगूर नहीं, अंगूर है, ग्रेप्स डाल दिए इसके अंदर, है ना। अब होने वाला क्या है, क्या हो रहा है मतलब? अरे पहले तो हाई और लो तो बताने दो, है ना। जहां पर बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी कंसेंट्रेशन हाई होती है, तो भैया अंगूर के अंदर भी तो कुछ होगा, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, रसेदार मीठा मीठा, तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या है बच्चों? लो है। जैसे ही बेटा अंगूर इसके अंदर गया वैसे ही लंगूर बन जाएगा। क्यों बनेगा बेटा? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा? अरे जो वाटर होगा ना इसके अंदर, जो सॉल्वेंट, उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अरे आया समझ में नहीं? तो ये सारा खेल बेटा किससे हो रहा है? ठीक है, पानी के अंदर रखो तो फुला लो, और भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर बेटा अंगूर को डालो तो पिछला लो, चल तेरी बायो देख पाऊंगा। इधर देख, क्या इस बेटा लिक्विड ज्यादा निकल, अब मैं ये सोलह इसे फुला लू मैं दोबारा, ये चाह रहा है ना, हाँ घूम भी जाए। अब इसे निकाल के फिर पानी में डाल, भाई ये करता रहिए, इसे फुलाता रहिए, पिचकाता रहिए, फुलाता रहिए। देख इधर सब, ये पानी है बेटा, प्योर वाटर। पानी के अंदर हमने क्या मिला, अब क्या डाल रहे हैं बेटा? अंडा डाल रहे हैं, एग। अब ऐसे नहीं डालना बेटा, जो छिलका होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवरिंग होता है उसको उतार के डालना है। अरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो होता है ऑस्मोसिस, अब बेटा वो जो हार्ड कवरिंग है उससे नहीं हो सकता ऑस्मोसिस, पहले वो उतार दो और फिर उसको अंडे को डालो पानी के अंदर, फिर इसको खुशी मिलेगी। ये फिर ये फूल जाएगा, है ना। क्या होगा बेटा यहाँ पर, प्योर वाटर, प्योर वाटर को क्या मान के चलना है? अरे क्या मानोगे भैया, लो कंसेंट्रेशन या हाई कंसेंट्रेशन? लो कंसेंट्रेशन, प्योर को हमेशा लो कंसेंट्रेशन, और जो इसके अंदर भरा हुआ है हाई कंसेंट्रेशन। तो होने वाला क्या है, लो से हाई, भैया पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये फूल जाएगा। अगर इसको पिचकाना है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल दो, अरे पानी में तो फूल रहा है भैया, क्या करोगे, इस नमक के सॉल्यूशन में डाल दो इसको, जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाएगा पिचक जाएगा, क्लियर है? मतलब समझ गए होंगे ऑस्मोसिस क्या है, इतने सारी डेफिनेशन इधर आ। अब जो हमारा टॉपिक है उस पर आ, अरे भैया मेरी भी सुन लो, दो चार मिनट की बात है। देख ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं ये चाहता हूँ बेटा ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, मैं इसे रोकना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कैसे रोक सकते हैं? नहीं सर, कंटेनर को उठाओ और देखे मारो नीचे, ना रहेगा सॉल्यूशन और ना बजेगा ये ऑस्मोसिस, है ना, ऐसे नहीं रोकना। और तरीका बताओ, सेम कंसेंट्रेशन बेटा, कंसेंट्रेशन तो पहले ही मैंने डिफरेंट कर रखी है, आप सेम कंसेंट्रेशन कैसे करो बेटा? ये हाइट लिख दिया देखो, हाँ मतलब तू बिल्कुल नहीं चाहता ऑस्मोसिस, मैं कह रहा हूँ यार ऑस्मोसिस को रोकना है, मतलब ऑस्मोसिस चल रहा है, इस चलती प्रोसेस को रोकना है, तू कह रहा पानी डाल दो, अरे रोकना है इसको, वो सारे बायो वाले बैठे हैं क्या भैया, हैं तो फिजिक्स तो सबके पास है, दिमाग लगाओ कुछ, देखो कैसे, हाँ अब बोला ना मैंने सही, इस वाले सॉल्यूशन पे क्या करेंगे हम, प्रेशर, अरे इसको रोकना है इधर,
तो इस पे क्या लगाओ भैया, प्रेशर लगाओ, इस पे दबाव बनाओ कि भैया सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर एंटर नहीं करने चाहिए। तो इसमें बेटा हाई कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पे आपने प्रेशर अप्लाई करा, आप प्रेशर इतना अप्लाई करो जिससे बेटा ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना बंद हो जाए। जितने प्रेशर से ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी उसी प्रेशर को क्या नाम दिया जाएगा, आ गया समझ में? सर अगर ज्यादा लगाते हैं तो क्या, मतलब मेरी इच्छा हो रही है कि सर मुझे इसे रोकना भी, रोकना रोकना नहीं है, मुझे और एडवांस भी करना है, तो क्या होगा? इधर चला जाएगा, क्या जाएगा इधर, क्या जाएगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट, सॉल्यूट को तो पहले ही मना कर रखा है इसमें कि जानेंगे ना, है ना। हाँ जी, अगर आपने ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा, ये देखो ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस बेटा रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होने लगेगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करने लगेंगे और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे ऑस्मोटिक ना भैया, ऑस्मोसिस अभी भी नहीं समझा। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है भैया, तारिक सुन ले मेरी बात, मैंने बोला बेटा जितने प्रेशर से ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाती है, रुकने का मतलब समझ रहे बेटा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है इधर से इधर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए मैंने प्रेशर लगाया, किस पे लगाना प्रेशर, कौन से वाले पे, इधर लगाना इस पे हाई कंसेंट्रेशन, नहीं इधर लगा देंगे तो क्या, ये तो बढ़ा दोगे ऑस्मोसिस आप, इस पे लगाना है प्रेशर हाई कंसेंट्रेशन पे, क्योंकि भैया इधर ही तो आने से रोकना है तो उसी पे लगा दो प्रेशर। तो जितने प्रेशर से रुक गया उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दबाव बना दिया फिर क्या करेगा, मैं कि आप देख मैं क्या करूंगा, हाई से कहां जाऊंगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आगे पता है कहां होती है प्रोसेस, अरे पानी नहीं पीते होती है ना, अब कैसा होता है देखो, गंदा पानी आया, अरे तो बहुत लगे होते हैं, दो फिल्टर लगे होते हैं, गंदा पानी आया, गंदा पानी का मतलब ये नहीं है उसके अंदर, उसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, पानी के अंदर कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है, होता क्या है बेटा उसमें हम प्रेशर बनाते हैं, उसमें भी मेम्ब्रेन लगी होती है, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे केवल क्या जाएगा, पानी सॉल्वेंट जाएगा, और जो उसके अंदर मिला हुआ था वो इसकी चैम्बर के अंदर रहेगा, क्योंकि बेटा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, तो जो इस चैम्बर में आएगा वो कैसा पानी होगा, बिल्कुल प्योर पानी, और इसी को आप खोल के पीते हो आप, ठीक है, तो तभी तो बेटा फिल्टर बार बार चेंज करने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि पानी आ रहा है, प्रेशर लगा रहे हो, प्योर वाटर तो इधर चला गया, लेकिन इस फिल्टर में सॉल्यूट आपका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा बार बार फिल्टर को चेंज करना, हाँ रिवर्स होगा बेटा।